Today we are going to discuss simple present tense. What is tense? Tense is a change of form in a verb to express the time of an action. Tense क्या है? किसी भी action के time को express करने के लिए verb की form में जो change किया जाता है वो tense होता है. Okay? Based on time frame. The verb tenses may be categorized according to the time frame. Time frame के according कोई action किस time पर हो रहा है उसके according verb tenses को categorize किया गया है present tense में, past tense में और future tense में. Here are uses of simple present tense. The simple present is used for routines, habits, डेली एक्टिविटीज. बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम रूटीन्स, हैबिट्स और डेली एक्टिविटीज के लिए शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल शी वेक्स अप अर्ली. अब इस सेंटेंस में इसकी हैबिट बताई गई है दैट शी वेक्स अप अर्ली. ओके सो डियर स्टूडेंट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करते हैं कि अगर उर्दू में इसके कुछ सेंटेंसेस हमसे पूछे जाएं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करते हैं. ओके सबसे पहले हम इसकी पहचान पढ़ेंगे यानी इसकी रिकग्निशन के बारे में पढ़ेंगे. उर्दू फिक्रात के आखिर में ज़्यादातर ता है, ती है, ताहूँ, ते हैं वगैरह इस्तेमाल होता है. कुछ सेंटेंसेस हैं, वो 2 बजे खाना खाता है, हम सुबह सवेरे उठते हैं, अली नाश्ता तैयार करता है. देखें इन सेंटेंसेस के लास्ट पर है ता है, ते हैं, ता है. तो इट मींस कि ये वाले फिकरात किस टेंस से बिलोंग करते हैं? यस सिंपल प्रेजेंट टेंस से. ओके नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला. ओके सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने का तरीका. सबसे पहले बेटा हम यूज करते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या कोई भी नेम. बेटा ये जो मैंने अभी वर्ड्स बोले हैं ये सब क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट कहलाते हैं. ओके सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, आई, वी, यू, दे, इनके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन ही, शी, इट या कोई भी सिंगल नेम के साथ जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा भी करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट. हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उनको देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है आई ईट एन एप्पल. इस सेंटेंस में देखें आई सब्जेक्ट है, ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एप्पल ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किया है. सेकेंड एग्जाम्पल देखें सारा रीड्स अ बुक. इस सेंटेंस में सारा सब्जेक्ट है, रीड्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर बुक है. लेकिन डियर स्टूडेंट्स आपने एक बात पे गौर किया है, हमने आई के साथ जब ईट यूज किया है ईट वर्ब तो ईट के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा नहीं किया, लेकिन सेकंड सेंटेंस में हमने रीड के साथ एस का इजाफा किया है. तो क्या रीजन है कि हमने इधर आई के साथ जो हमने वर्ब यूज किया था उसके साथ हमने एस का इजाफा नहीं किया लेकिन सेकंड सेंटेंस में सारा के लिए जो हमने वर्ब यूज किया था उसके साथ हमने एस का इजाफा किया है? तो बेटा हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आई, वी, यू, दे, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जब इनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाए तो उस वर्ब के साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करते. लेकिन ही, शी, इट या कोई भी सिंगल नेम ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि उनकी वर्ब के साथ हम एस या एस का इजाफा करेंगे. अब हम मज़ीद रीड आउट करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हम एस या एस का इजाफा करेंगे. ओके वी एड एस और ई एस टू द वर्ब When the subject is he, she or it. बेटा आपके पास एक टेबल दिया गया है, इस टेबल से हमें ये पता चलेगा
कि हमने किन सब्जेक्ट्स के साथ के वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा करना है। ही शी इट, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि इनके वर्ब के साथ हमने एस का इजाफा किया है, लेकिन आई यू वी दे ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके वर्ब के साथ हमने एस का इजाफा नहीं किया। तो बेटा आपने ये अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि किन के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा करना है और किन सब्जेक्ट्स के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक टेबल है, उसको रीड आउट करते हैं। आई प्ले द पियानो, यू प्ले द पियानो, ही शी प्लेज द पियानो, वी प्ले द पियानो, दे प्ले द पियानो। आई होप कि आपको इस टेबल से समझ आ गई होगी कि हमने किन सब्जेक्ट्स के वर्ब के साथ एस और यस का इजाफा करना है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो जब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम सब्जेक्ट्स यानी आई वी यू दे इसके बाद अपना हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते टाइम हम हेल्पिंग वर्ब डू नॉट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसी तरह ही शी इट या कोई भी सिंगल नेम आ जाए तो उसके बाद हम अपना हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, कुछ सेंटेंसेस हैं, हम उसको रीड आउट करते हैं। आई डू नॉट गो, वी डू नॉट गो, यू डू नॉट गो, दे डू नॉट गो, ही डज नॉट गो, She does not go, it does not go, Ali does not go. Okay, dear students, अब आपको पता चल गया कि किन subjects के साथ हमने do not का इस्तेमाल करना है और किन subjects के साथ हमने does not का इस्तेमाल करना है. Okay? Next read करते हैं present indefinite tense के interrogative sentences बनाने का formula. सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डू और डज। अब देखें आई वी यू दे इन सब्जेक्ट्स के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डू, ही शी इट या कोई भी सिंगल नेम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डज। तो इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम डू का इस्तेमाल करेंगे यानी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डू प्लस आई वी यू दे प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेकंड देखें हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा डज प्लस ही शी इट या कोई भी सिंगल नेम प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, कुछ सेंटेंसेस हैं डू आई नो, डू यू नो, डज शी नो, डज ही बिलोंग टू यू। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका था। नेक्स्ट हम रीड आउट करेंगे एग्जाम्पल ऑफ डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस। बेटा जब हम इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस बनाएंगे, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए डब्ल्यू एच वर्ड्स की फैमिली से, तो हमने कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं। सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाए व्हाट, तो बेटा एक एग्जाम्पल है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू यू रीड, तो हमने ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। व्हाट हम सबसे पहले यूज करेंगे, देन हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, अगर नहीं आ रहा तो हम क्वेश्चन मार्क लाजमी ऐड करेंगे। नेक्स्ट है वेयर डू दे गो बाय बस, When does she watch TV? Why does he come home? How do I know? Okay, dear students, I hope कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। Next bit आपकी डायरी है, आपके पास कुछ sentences दिए गए हैं, आपने इनको present indefinite tense के according लिखना है, ठीक है। Next है translate these sentences into English. बेटा आपके पास ये 7 सेंटेंसेस दिए गए हैं,
आपने इन 7 सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये आपकी डायरी है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको आज के लेक्चर में कुछ समझ नहीं आया तो बेटा उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा या अपनी रफ नोटबुक पे लिख लें, और जब आपकी जूम क्लास होगी तो आपने अपने टीचर से वो चीज़ें क्लियर कर लेनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए।